मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? क्या आज आप कुछ नया सीखने के लिए तैयार हैं? बहुत बढ़िया। 20 तक संख्याओं की तुलना। इस वीडियो में हम सीखेंगे छोटी बड़ी संख्या की पहचान करना, बराबर संख्याओं की पहचान करना। बच्चों देखो, आज मैंने तुम सब के लिए शिकंजी बनाई है। यहाँ पर दो ट्रे रखी हैं और दोनों में ही शिकंजी से भरे गिलास रखे हैं। लेकिन शिकंजी पीने से पहले क्या तुम सब मुझे ये बता सकते हो कि कौन सी ट्रे में कितने गिलास रखे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। इस पहली ट्रे में 11 गिलास हैं दीदी। और दूसरी ट्रे में? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। इसमें 14 गिलास हैं दीदी। अच्छा, अब ये बताओ कि कौन सी ट्रे में ज्यादा गिलास हैं? देखो, दूसरी ट्रे में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ये तो हुए पहली ट्रे जितने ग्लास। अब यहाँ इनके अलावा भी 3 गिलास और हैं। मतलब दूसरी ट्रे में पहली ट्रे से ज्यादा गिलास हैं। लेकिन कितने ज्यादा गिलास हैं? 3 गिलास ज्यादा है दीदी। बिल्कुल ठीक। तो अब हमने जान लिया कि दूसरी ट्रे में पहली ट्रे से ज्यादा गिलास हैं। चलो अब मिलकर शिकंजी पीते हैं। बच्चों, तुम सबको खेल खेलना पसंद है ना? तो एक खेल खेलोगे? हाँ दीदी। तो चलो इस खेल के नियम समझते हैं। पहले दो बच्चे आगे आ जाओ। देखो, इस बाल्टी में कुछ गेंदे हैं। तुम दोनों को मेरे 10 गिनने तक इस बाल्टी में से गेंद निकाल कर बाहर रखनी है। जो ज्यादा गेंदे निकाल कर बाहर रख देगा वो इस खेल में जीत जाएगा। समझ गए ना क्या करना है? हाँ दीदी। तुम्हारा समय शुरू होता है अब। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अरे वाह, बहुत अच्छे। गिनो किसने कितनी गेंदे निकाली। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। मैंने 12 गेंदे निकाली दीदी। और मैंने निकाली 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। 16 गेंदे। यानी पटर ने चटर जितनी गेंदे तो निकाली हैं, और उनके अलावा भी 4 गेंदे और निकाली हैं। यानी मेरी गेंदे ज्यादा हैं। वाह पटर। वाह पटर, तुम तो ये खेल जीत गई। अच्छा ये देखो, मैंने अपने जादू के पिटारे से क्या निकाला है। ये है काउंटर्स। बिल्कुल सही। तो ये देखो, मैंने बोर्ड पर एक सीधी रेखा खींची है। अब मैं 20 तक जो संख्या बोलूं, इस रेखा के ऊपर तुम्हें उतने काउंटर्स लगाने हैं, और काउंटर्स की संख्या उनके नीचे लिख देंगे। ठीक है चटर, तुम्हारी बारी। तुम्हारे लिए संख्या है 13। यानी 13 काउंटर्स लगाने होंगे। हाँ चटर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। शाबाश, तो ये लग गए 13 काउंटर्स। अगली संख्या है 17। पटर अब तुम काउंटर्स चिपकाओ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, सत्रह। अब बताओ कि क्या तेरह सत्रह से बड़ी संख्या है? देखो, तेरह के काउंटर्स और सत्रह के काउंटर्स में से किस संख्या के काउंटर्स ज्यादा दिख रहे हैं? सत्रह के। हाँ, यानी सत्रह तेरह से बड़ी संख्या है। तो जिस संख्या के काउंटर्स कम होते हैं वो संख्या दूसरी संख्या से छोटी होती है, और जिस संख्या के काउंटर्स ज्यादा होते हैं वो संख्या दूसरी संख्या से बड़ी होती है। समझे? हाँ दीदी। अच्छा, अब अगर मैं ये पूछूं कि 18 और 15 में से छोटी संख्या कौन सी है तो कैसे पता करेंगे? पहली संख्या 18 के लिए 18 काउंटर्स लगा देंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, सत्रह, अठारह। और फिर 15 के लिए 15 काउंटर्स लगा देंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह। हाँ, याद है ना कि जिस संख्या के काउंटर्स कम दिखते हैं वो संख्या दूसरी संख्या से छोटी होती है। तो बताओ कि यहाँ किस संख्या के कम काउंटर्स हैं? 15 के। सही कहा, चटर, यानी 15 18 से छोटी संख्या है, है ना? अब समझ गए दीदी। अच्छा, अब ये बताओ कि इन दोनों कटोरियों में से किस कटोरी में अधिक बीज हैं? ये तो पता करने के लिए बीजों को गिनना पड़ेगा दीदी। तो फिर गिनो और बताओ। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, सत्रह, अठारह, उन्नीस। मेरी कटोरी में 19 बीज है दीदी। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, सत्रह, अठारह, उन्नीस। मेरी कटोरी में भी 19 ही बीज हैं दीदी। अरे, ये क्या बच्चों, दोनों ही कटोरियों में 19-19 ही बीज हैं। तो किस कटोरी में ज्यादा बीज हुए? दोनों कटोरियों में बीजों की संख्या एक जितनी ही है दीदी। सही कहा, तो दोनों कटोरियों में बीजों की संख्या समान या बराबर है, किसी कटोरी में कम ज्यादा नहीं। हाँ बच्चों, अब प्ले मनी के साथ भी एक खेल खेलते हैं। इस खेल में मैं बनूंगी दुकानदार और तुम सब ग्राहक, ठीक है? ये तो बड़ा मजा आएगा दीदी। तो चलो खेलते हैं। अब चटर पटर, मैं तुम्हें प्ले मनी दूंगी। ये लो चटर, तुम्हारी प्ले मनी, और पटर, ये तुम्हारी। अब तुम दोनों को बारी बारी आकर मुझसे सामान खरीदना है, और जितने का सामान होगा उतने रुपए भी देने हैं। जैसे मान लो अगर तुम ये चम्मच खरीदते हो तो इसके लिए तुम्हें देने होंगे 11 रुपए। तो एक 10 का नोट और एक रुपए का नोट, ठीक? 10 और एक हो गए 11, समझे ना? जी दीदी। तो चलो खरीदारी शुरू करो। मुझे ये गेंद खरीदनी है, ये कितने रुपए की है? ये है 12 रुपए की। 10 और 1 11, 11 और 1 12, ये हो गए 12 रुपए। लीजिए। मुझे ये बड़ी वाली गेंद खरीदनी है, ये कितने रुपए की है? 15 रुपए की। 10 11 12 13 14 15, ये लीजिए 15 रुपए। हे, मैंने बड़ी गेंद खरीदी। पर ये तो बताओ किसने ज्यादा रुपए खर्च किए? मेरी गेंद 15 रुपए की है और चटर की 12 रुपए की, यानी मैंने ज्यादा रुपए खर्च किए।
15 तो 12 से बड़ी संख्या है, यानी पटर के ज्यादा रुपए खर्च हुए हैं। एकदम सही पहचाना। चलो फिर से यही खेल खेलते हैं। अब की बार मुझे ये टोपी खरीदनी है। ये 20 रुपए की है। 10 और 10 हो गए 20। ये लीजिए और टोपी दे दीजिए। मुझे खरीदना है ये रुमाल। ये तो 20 रुपए का है। मेरे पास है 10, 20। ये लीजिए 20 रुपए। इस बार किसने ज्यादा रुपए खर्च किए? अरे हम दोनों ने ही 20-20 रुपए खर्च किए। हाँ, किसी ने कम ज्यादा रुपए नहीं खर्चे, दोनों के बराबर थे दीदी। सही कहा बच्चों, शाबाश। बच्चों आपने 20 तक संख्याओं की तुलना करना सीख लिया है। अब आपको गतिविधियां भी करनी है, जिससे आप खेल खेल में इस अवधारणा को और अच्छे से समझ पाओगे। और हाँ, इसके बाद वर्कबुक में दिए प्रश्नों का खूब अभ्यास करना है, ठीक है? ओके बच्चों, बाय बाय बाय। बच्चों अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। पहेली किस्से और कहानी सुनना अब तुम मेरी जुबानी। बात पड़ी है सीधी सीधी, मैं हूँ आपकी संपर्क दीदी। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियाँ, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं, तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।